नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस पर। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हेनॉक ने दिया इस्तीफा, सोशल डिस्टेंसिंग का किया था उल्लंघन। अमेरिका से आश्वासन के बाद अफगान नेशनल आर्मी के इरादे मजबूत, 24 तालिबान आतंकी ढेर। जम्मू में हवाई अड्डे के टेक्निकल एरिया में 5 मिनट के अंदर 2 ब्लास्ट, विस्फोट के लिए 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से बिहार को भी खतरा। कोरोना से हुई मौतों के लिए इंश्योरेंस का कोई प्रावधान नहीं, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। सरकार को राकेश टिकट की 2 टूक दिल्ली बगैर ट्रैक्टर के नहीं मानती, फिर बड़ी क्रांति होगी। धर्मांतरण मामले में नया खुलासा, मौलाना उमर गौतम के चंदे से चल रहे थे मदरसे, गाजियाबाद में एक गोद भी लिया था। पश्चिम बंगाल से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को 1 साल से डिपोर्ट करने के लिए याचिका दायर। मुंबई में बीजेपी का ओबीसी आरक्षण के समर्थन में विरोध प्रदर्शन। स्कूली छात्र ने मुंबई के होटल में आतंकवादियों के बारे में शरारतपूर्ण फोन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।